तो आप लोग देखिएगा रिएक्शन। मैं इलेक्शन कराया जा रहा है, ये महज इत्तेफाक हो सकता है, ये क्या है पता नहीं है, लेकिन हम दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं AIMIM के, वो एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन होने वाला है। तैयारी तो करना है, लड़ना है। आप महाराष्ट्र अध्यक्ष है, कितने सीटें बताए जा रहे हैं कि 6 या उससे ज्यादा भी हो सकती है? आज तो अभी ये डिक्लेयर हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उनका क्या स्टैंड है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी ये जाने वाली है करके, ये उन्होंने एक मरतबा तय कर लें कि पार्टी अलायंस के अंदर किसको जाने वाली है, फिर पार्टी के अलावा फिर कैंडिडेट कौन रहने वाला है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं और अलायंस टिकने वाला है या टूटने वाला है इसका भी इंतजार कर रहे हैं। अगर टिका तो ठीक, नहीं टिका तो उसके हिसाब से हमारी फिर कैलकुलेशन रहेगा हमारा। अगर बात की जाए शहर की, जिले की, तो यहाँ पर किस तरह, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं, शिवसेना की बात की जाए उद्धव ठाकरे, तो उसमें भी दोनों जो लीडर हैं वो एक दूसरे पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए इलेक्शन के वक्त में ये सब चीज़ें आम होती है, उसमें एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दावे करना, ये सब चीज़ें इलेक्शन का ही एक हिस्सा होता है इसके अंदर, तो कोई हैरानी की बात तो नहीं है उसमें। अगर कोई राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस तरीके की खींचतानी चल रही है